हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज इंडिया का एशियन गेम्स अंडर 23 वाला चालू हो रहा है। डेट से लेकर के भाई साहब आपको टीम के बारे में थोड़ा सा प्रीव्यू भी देने वाला हूँ। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लियो मेसी और इंटर मियामी को ट्रॉल किया गया है उसके ऊपर नजर डालेंगे, और रोनाल्डो भाई साहब केस करने वाले हैं यूवेंटस के ऊपर। क्यों केस करने वाले हैं वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो फुटबॉल फैन हो तो, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपको जो है वो फुटबॉल की अपडेट्स देते हैं। साथ ही साथ 100K तो पहुंचाना ही है ना, तो भाई के लिए 100K के लिए जो है वो कर दो। देखो कितने कम सब्सक्राइबर रखे 100K पहुंचाने के लिए, आप ही नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब, बदमाश, कर देना भाई सब्सक्राइब। मिल चल के वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है किचन के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इंडिया की अंडर 23 की टीम के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद फाइनली अंडर 23 की टीम जो है वो बाहर आ गई है। अब क्या कॉन्ट्रोवर्सीज थी वो हमने कवर किया है भाई चैनल पे, तो आप जरूर जाकर के देख सकते हो। लेकिन बात रही भाई हमारे अंडर 23 की टीम के बारे में, तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एशियन गेम्स अलग चीज़ और एशियन कप अलग चीज़ है, तो कन्फ्यूज मत होना। ये एशियन गेम्स में हम लोग को अंडर 23 की टीम ले जानी थी, और 3 प्लेयर्स एलिजिबल थे जो ओवर 23 सिलेक्ट किए जा सकते थे। तो उन 3 प्लेयर्स को जिनको कोच ने सिलेक्ट किया है वो है हमारे कैप्टन लेजेंड सुनील छेत्री सर, दूसरे झिंगन सर, और तीसरा जो है वो सिलेक्ट किया गया है हमारे चिंगले सेना सर को। सो ये 3 जो है वो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है। एक हमारे अटैकर है सुनील छेत्री सर, और दोनों जो है झिंगन और चिंगले सेना दोनों जो है वो हमारे डिफेंडर है। अब भाई सीधी सी बात यह है, उसके बाद जितनी पूरी टीम है वो अंडर 23 की है। लेकिन उस अंडर 23 देखो, तो डिफेंस तो शॉर्ट हो गया काइंड ऑफ, दो भैया आप डिफेंडर्स लेकर के जा रहे हो। लेकिन अटैकर्स में आपको मैं बता दे रहा हूं, अंडर 23 में इंडिया के पास बहुत अच्छे जो हैं वो प्लेयर्स हैं। आपको नजर रखना है पर्टिकुलरली राहुल केपी के ऊपर, आपको रोहित के ऊपर जो है वो नजर रखना है, आपको अंकित यादव के ऊपर नजर रखना है, और गुरु किरात सिंह के ऊपर भी जो है वो नजर रखे रहना है। सो ये कुछ नोटेबल अटैकर्स हैं इंडिया की तरफ से जो काफी अच्छा मेरे हिसाब से खेलने वाले हैं इंडिया अंडर 23 के लिए। लेकिन एक जो है वो भाई कंसर्न्ड स्पेस है, और वो है मिडफील्ड। तो अटैक में भी अच्छी ऑप्शंस हैं, डिफेंस में भी अच्छी ऑप्शंस हैं, बट मिडफील्ड में थोड़ा सा हो सकता है इंडिया की टीम स्ट्रगल करते हुए नजर आए। रही बात भाई मैच की, तो 5 बजे आपको आज गेम देखने को मिलेगा वर्सेस चाइना, और ये जो है वो चाइना के खिलाफ है। चाइना ही होस्ट कर रही है भैया एशियन गेम्स को इस सीजन, तो भाई जरूर जा करके मैच जरूर देखना। अभी कन्फर्मिटी नहीं है कि मैच कहाँ आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली जियो सिनेमा वगैरह में तो अपन को देखने को मिल ही जाएगा, जियो टीवी वगैरह में। तो भाई नज़र बना करके रखना, बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट या इंस्टाग्राम जरूर डाल दूंगा कि आप कहां ये मैच देख सकते हो। अब ना इस मैच से पहले कुछ कुछ चीजें जो है वो हमारे कोच आइगर स्टमक ने क्लियरिफाई किया है। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमको बहुत ही ज्यादा कम टाइम मिलने वाला है प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर नो टाइम मिलने वाला है प्रिपरेशन करने के लिए। उन्होंने वो कहा है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हमको जो है वो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा। हम 5 से 6 बजे जो है वो आज एयरपोर्ट से निकलेंगे, और हमको 10 बजे जो है वो भाई फ्लाइट पकड़नी हांगकांग की रात, फिर सुबह 7 बजे जो है वो हांगकांग पहुंचेंगे, फिर वहां जो है वो भाई सुबह 7 बजे पहुंचने के बाद 5 से 6 घंटे का वेट करने, और फिर एक फ्लाइट है चाइना के लिए, और वहां हम पहुंचेंगे शाम को 5 बजे। तो कोई सिंगल भी ट्रेनिंग सेशन जो है वो हम इस गेम से पहले नहीं कर पाएंगे। जो भी हम कर सकते हैं वो जो हम 5 से 6 घंटे हांगकांग एयरपोर्ट में पहुंचेंगे बैठेंगे, वहीं पे जो है वो ब्रीफिंग टीम की होगी। तो देखो प्रिपरेशन भी साला जो है वो हमको एयरपोर्ट में करना पड़ रहा है, इतना गंदा जो है वो भाई हमारे आप कह सकते हो काइंड ऑफ फेडरेशन की तरफ से जो है वो मैनेजमेंट किया गया। इतना कॉन्ट्रोवर्सी हुआ बताओ ना इतने से चीज के लिए, सब कोई बीच में आपस में बैठ करके अच्छे से करते तो भाई इंडिया अच्छे से खेलते हुए नजर आती। बाकी अब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हैविंग 2 डेज प्रिपरेशन प्रायर टू बिग गेम नेवर सर्व्ड अस वेल, क्योंकि ऑब्वियसली आइगर स्टमक भाई मंथ से जो है वो कैंप लगा करके चलते हैं। तो वही कह रहे हैं इट्स ऑब्वियस हाउ इंडिया इज डिफरेंट व्हेन देयर इज अ लॉन्ग कैंप वर्सेस अ शॉर्ट कैंप। तो ये भी जो है वो आइगर स्टमक ने कह दिया। बाकी वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे प्लेयर्स से वो पहली बार मिलने वाले हैं, क्योंकि जो है वो भाई अंडर 23 की टीम जा रही है। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि आइगर स्टमक कैसे जो है वो उन प्लेयर्स को जो है वो हैंडल करने वाले हैं। बाकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हमारे यंग प्लेयर्स को, क्योंकि मेजर ऑफ द यंग प्लेयर्स आई लीग में खेलते हैं, तो उनको अगर यहाँ पे अच्छे खेलेंगे तो ISL की टीम्स का ऑब्वियसली नजर रहेगा उन प्लेयर्स के ऊपर, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई, स्पॉटलाइट मिलने वाली है। बाकी वो ये भी कहते हैं कि भाई आप लोग ना ज़्यादा सरप्राइज मत होना अगर जो है वो हम संदेश या फिर सुनील को पहले गेम में बैठा दें, क्योंकि मैं चाइना के बारे में
में ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं बांग्लादेश और म्यांमार के बारे में सोच रहा हूँ, बिकॉज मैनी पीपल आर सेइंग कि चाइना आर दी फेवरेट्स टू विन दिस ग्रुप, और इस ग्रुप में अगर हमको आगे जाना है राउंड ऑफ 16 में तो हमको बांग्लादेश और म्यांमार से जीतना पड़ेगा, जो कंपैरेटिवली ऑब्वियसली चाइना से जो है वो कमजोर टीम है और हम फेवरेट्स है सेकेंड पोजिशन में आने के लिए। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई चाइना के ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं है और हमको प्रिपरेशन करने का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, तो ऐसा हो सकता है कि जस्ट टू कंजर्व एनर्जी ऑफ सुनील एंड भाई साहब झिंगन, मैं जो है वो भाई उन दोनों को पहले गेम में नहीं स्टार्ट करूं, क्योंकि अपन को प्लानिंग करके चलनी है भाई। राउंड ऑफ 16 में फिर हो सकता है अगर हम सेकंड आए तो हमको कोई टफ ओपोनेंट मिलने वाला है, लेकिन भाई चाइना में पूरा भीड़ लगा देने के बाद फिर बांग्लादेश और म्यांमार में सफ़र करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सर सुनील छेत्री ने भी जो है वो हमारे इंडियन टीम के साथ जो है वो काइंड ऑफ जो प्री सीजन टाइप हो रहा था, हम गए थे खेलने के लिए किंग्स कप वगैरह वगैरह, वो भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे मैच शार्पनेस की भी जो है वो क्वेश्चन है थोड़ी सी हमारे कैप्टन के ऊपर। तो ये कहानी थी दोस्तों हमारे एशियन गेम्स के अंडर 23 के टीम के लिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आज चाइना के खिलाफ मैच है, शाम को 5 बजे अपन को देखने को मिलेगा, ज़रूर से देखना और सपोर्ट करना हमारी इंडियन नेशनल टीम को। बाकी जो रिजल्ट वगैरह आएगा बात करेंगे ना उसके बारे में कल की वीडियो में। खैर आज की वीडियो की अगले खबर के ऊपर बहुत से, और वो है मेसी को और इंटर मियामी को बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया गया है, किसके द्वारा, अटलांटा यूनाइटेड के द्वारा। तो भाई इट वॉज नॉट क्वाइट सरप्राइजिंग दैट अटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ इंटर मियामी खेलने गई है विदाउट लियो मेसी और उनके होम गेम में, जिसको मैं कंसिडर करता हूँ एज वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन MLS। भाई साहब वहाँ कुक होकर के आने से, आई नो देयर वॉज अ अनबीटन रन भाई साहब यहाँ पे इंटर मियामी का चल रहा था, जब से लियो मेसी आए तब से लोग हारे नहीं थे, अपना पहला डिफीट विदाउट लियो मेसी जो है वो उन लोग सफर करके आए हैं। मैं भाई साहब अटलांटा यूनाइटेड के स्टेडियम में खेला हूँ बहुत लंबे समय तक, तो मैं जानता हूँ उस स्टेडियम का एटमोसफियर कैसा रहता है, वहाँ के फैंस क्रेजी रहते हैं, दैट स्टेडियम इटसेल्फ इज अ भाई साहब आर्किटेक्चर का आप कह सकते हो एक माई सिम्बॉल, आप ये कह सकते हो वेरी ब्यूटीफुल स्टेडियम, एंड भाई अंदर का माहौल ही अलग रहता है। सो उस माहौल के अंदर हो सकता था कि भाई हमारी इंटर मियामी की जो है वो टीम कुक हो जाए, और एग्जैक्टली वही हुआ। सो अटलांटा यूनाइटेड जीत गई इंटर मियामी से 5-2, लेकिन उस जीत के बाद भाई जो उनका एडमिन था ट्विटर में वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉकी था। कॉकी कैसे था मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर आप जा करके अटलांटा यूनाइटेड का ट्विटर खोल करके देखोगे तो आपको इतना कुछ मेसी के खिलाफ देखने को मिलेगा जो आप देख करके जो है वो क्वाइट शॉक्ड हो जाओगे, बिकॉज मेसी तो खेलने नहीं आया था, और उसी को जो है वो थोड़ा सा पिन पॉइंट करते हुए लिखते हैं कि नेक्स्ट टाइम ब्रिंग दी होल टीम विथ यू, ऐसे करके जो है वो लगता है। ठीक है, तो मैं याद दिला दूँ अटलांटा यूनाइटेड के जो है वो एडमिन को कि जब हमारी पूरी टीम खेली थी तो तुम्हारे खिलाफ ही जो है वो हम फाइनल जीते थे, और बढ़िया से पेल के जीते थे, स्कोर लाइन यहाँ लिख दे रहा हूँ, इतना गंदा पेले थे कि मेरे को याद भी नहीं है। रही बात भाई साहब दूसरे जो है वो ट्वीट की, तो वो जो आईफोन के लॉन्च के समय अटलांटा यूनाइटेड के खिलाफ लियो मेसी ने 8th मिनट पे गोल मारा था, उसका प्रेजेंटेशन हुआ था, है ना, तो उसमें जो है वो एडिट करके जो है वो फोटो लगाया गया है जहाँ पे इंटर मियामी को हराते हुए अटलांटा यूनाइटेड लिखी और लिखा है कि iOS 17 का लॉन्च हो रहा है, जो ऑब्वियसली हो रहा है कल रात को 10:30 बजे हमारे इंडिया में iOS 17 का लॉन्च है। तो जितने मेरे भाई बंधु लोग iOS डिवाइस रखे हो एप्पल के रखे हो तो अपडेट कर लेना नया iOS है, वैसे कुछ ऐसा बहुत खास अपडेट नहीं है वो, और तुम्हारा फ़ोन स्लो हो जाएगा तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर तुमको करना है तो तुम कर लेना। बाकी रही बात तो हाँ, तो वही भाई उन्होंने एडिट करके फोटो डाल दिया, वो फोटो कुछ ऐसी नज़र आ रही थी दोस्तों और उसको एडिट करके उन्होंने ऐसा बना दिया, तो तुम्हारी एडिटिंग ना हमारी रियलिटी है भाई, ठीक है, तो तुम ज़्यादा मुंह ना चलाओ। फिर मैं ऐसे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करे थे जो मेरे को भी बहुत लिटरली बहुत बकवास पिज़्ज़ा टाइप लगा, भाई ऐसा पिज़्ज़ा कौन खाता टमाटर और अंगूर के साथ, तो उसको भी जो है वो एडिट करके इन्होंने ऐसा इमेज बना दिया, तुम देख सकते हो ऐसे एल लिख दिया उस पिज़्ज़ा का। तो भाई लियो मेसी ने भी देखा होगा, इंटर मियामी ने भी देखा होगा, और तुम बहुत गंदा पिलाने वाले हो अटलांटा यूनाइटेड अगर तुम फिर से सामने आ गए, एक बार तो पेल ही दिया था, अगली बार जो है वो और अच्छे से पेल देंगे, टेंशन मत लो अपना, और अपने स्टेडियम को थोड़ा सुधार लेना, अभी तक तुम लोग एस्ट्रोटर्फ में खेल रहे हो, हमारे भाई सरकारी जो है वो टर्फ में खिला देते हैं भाई, हमारे जो लोकल टर्फ रहता है वो वाले स्टेडियम में तुम्हारा टर्फ लगा हुआ है, थोड़ा नेचुरल घास वास उगा लो दोस्त, है ना, तो थोड़ा सा मजा आएगा फुटबॉल खेलने में। आगे जो है वो बात कर लेते हैं अपन यूवेंटस के बारे में। सो दोस्तों रोनाल्डो ने सू किया है, मतलब ये प्लानिंग चल रही है टू भाई लॉन्च अ लीगल केस ऑन यूवेंटस। अब ऐसा क्यों कर रहा है रोनाल्डो, तो मैं आपको बता दूं, रोनाल्डो जॉइंड आफ्टर 10 ईयर्स सर्विंग एट रियल मैड्रिड एंड विनिंग ऑल दी ट्रॉफीज अवेलेबल एट रियल मैड्रिड, ही जॉइंड आफ्टर 10 ईयर्स भाई साहब यूवेंटस में ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने जो है वो लगभग गेम्स खेले हैं 134, जिसमें उसने स्कोर किया है गोल्स 101, जो बहुत ही अच्छा गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड रहा है। 3 साल उसने जो है वो सर्व किया यूवेंटस को, लेकिन उस 3 साल में आखिरी 1 साल जो है वो कोविड हो गया था, आपको याद होगा दोस्तों। सो उस कोविड वाले साल में जो रोनाल्डो के वेजेस थे लगभग 19.9 मिलियन के वेजेस, वो रोनाल्डो को अभी तक मिले नहीं है, वो उसे डिफर करके आया था।
बहुत बार जो है वो यूवेंटस से कहने के बावजूद यूवेंटस का कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रहा रोनाल्डो को वो वेजेस देने के लिए। एंड हेंस रोनाल्डो ने जो है वो ठाना है कि अब एक लीगल केस कर ही देता हूँ और उस केस से जो है वो कंपनसेशन करके निकालूंगा। अब ये भाई यूवेंटस के ऊपर फिर से जो है वो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझको, बिकॉज रिसेंटली मोनोची ने भी जो है वो केस किया है। आपको मैंने एक अपडेट दिया था अपने 7:30 बजे वाले जो है वो न्यूज़ अपडेट में कि मोनोची ने भी केस किया यूवेंटस के ऊपर। सिमिलर तरीके से जो है वो अब रोनाल्डो भी केस करने वाले हैं। तो यूवेंटस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है दोस्तों। इनकी जो है वो फॉर्म भी पिच में उतनी नज़र नहीं आ रही है। पोगबा जो इनका स्टार खिलाड़ी वन ऑफ था वो भी जो है उसका गेम नज़र आ गया है। और भाई मोनोची ने जो भाई लेजेंड रहे भाई 20 साल से ज़्यादा सर्व किया उन्होंने जो है वो भाई अपने जो है वो यूवेंटस को, उसको जो है वो सू कर दिया। और हमारे जो है वो भाई लियो अपने सॉरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई ने भी जो है वो लीगल केस करने का अभी पूरा ठान ही लिया, लगभग कर ही देगा। तो यूवेंटस के लिए भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। अगली खबर को जो है मैं आपको बता दूँ भाई, एक पीएसजी से खबर निकल करके आ रही है कि लुइस एनरिके ने एक चीज़ ये ज़रूर देखा कि जब पीएसजी की टीम प्री सीजन में गई थी टूर में खेलने जापान में, तो वहाँ पर बहुत सारे उनके प्लेयर्स सिगरेट के साथ पाए गए थे दोस्तों, फूफू कर रहे थे। तो भाई ये देख करके लुइस एनरिके बहुत ज़्यादा बमके थे और ये इस्टेब्लिश कर रहे थे कि भाई मेरी टीम में जो है वो डिसिप्लिन अब वो करना ही पड़ेगा। सो बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पे जो है वो सिगरेट पीते हुए पाए गए थे, बहुत सारे यंग प्लेयर्स भी सरप्राइजिंगली पाए गए थे। एंड ज़्यादा प्लेयर्स के बारे में तो मेरे को पता नहीं है पीएसजी की कौन सिगरेट पीता है कौन नहीं पीता, लेकिन एक प्लेयर ज़रूर पीता है और वो है वैराटी। तो वैराटी सिगरेट पीता है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो पकड़ाया होगा दोस्तों। इसके बाद से लुइस एनरिके काफ़ी ज़्यादा बमके हुए थे और लुइस एनरिके ने जो है वो थोड़ा सा भी डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट किया है। अब देखो सिगरेट पीने से स्टैमिना में तो फ़र्क पड़ता है भाई, मैंने खुद देखा है अपने दोस्तों के ऊपर, जितने मेरे दोस्त लोग पीते थे सब कोई का हालत ख़राब हो जाता था, इतना सा दौड़ के ऐसे करने लगते थे। तो होता है भाई, मैंने देखा है लोगों को। बाकी अपन भाई सबसे नशाबाजी से दूर, अपन जो है वो बढ़िया पेलम पाली खेलते थे भाई, जिम विम करते थे, तो ये होता था। तो अगर कोई सिगरेट पीता है तो मत पीना यार, ठीक है। बाकी चलो दोस्तों अब कमेंट ऑफ द डे ले लिया जाए। तो हमारे 10 ओमार भाई का जो है वो भाई कमेंट आया, माई बॉय साला फाइनली गेटिंग द रिकॉग्नाइजेशन ही डिजर्व्स। अरे ही ऑलवेज गेट्स द रिकॉग्नाइजेशन, क्या बात कर रहा है भाई तू, इतने बार गोल्डन बूट वगैरह जीता है। तो मोहम्मद सलाह इज़ ऑब्वियसली अ फाइन प्लेयर भाई, और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर लियो मेसी को कोई प्रॉपरली रिप्लेस कर सकते हैं ना बार्सिलोना में, ही इज़ मोहम्मद सलाह भाई। एनीवेज अगले जो है वो भाई साहब अपन आ जाते हैं अगले कमेंट ऑफ द डे पे, वो है हमारे हर्षवर्धन भाई का। हर्षवर्धन भाई लिख रहा है कि बिलीव मी और नॉट, पीपल कैन नॉट हेट डी जर्बी एंड ब्राइटन व्हाट दे आर डूइंग एट द क्लब एंड आई एम लविंग दिस क्लब। बिल्कुल सही बात है भाई, डी जर्बी ने जो है वो भाई गजब का जो है वो भाई साहब आग लगा करके रखा है। और उस कमेंट में एक जो है वो भाई साहब एक रिप्लाई आया है भाई का, और वह आशुतोष शुक्ला भाई का, कॉज दे आर अंडर डॉग्स, एवरीबडी लव्स अंडर डॉग्स अंटिल द बिकम अ डायनेस्टी। अगर ब्राइटन फॉर्मल पीयर चैंपियंस यूसीएल विनर होती तो लोग बेंटर करने का मौका नहीं छोड़ते। ये भी बात सही है, क्योंकि ऑब्वियसली अंडरडॉग्स को तो सब कोई प्यार करते हैं दोस्तों। एवरीबडी लव्ड दैट स्टिंट ऑफ लेस्टर सिटी, जब लेस्टर सिटी जो है वो जा करके प्रीमियर लीग उठा ली थी सरप्राइजिंगली, लेकिन उसके बाद देखो ना फिर लेस्टर सिटी के बाद फिर मतलब उस चैंपियनशिप जीतने के बाद लेस्टर सिटी की तरफ से वैसा कुछ परफॉर्मेंस आया नहीं। तो ऑब्वियसली जब अंडरडॉग परफॉर्म करते हैं तो भाई साहब मजा तो आता है देखने में, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। लेकिन अंडरडॉग्स वाली बस बात नहीं है, कैसे ब्राइटन जो है वो यंग प्लेयर्स को जो है वो भाई साहब बना रही है और यंग प्लेयर्स को फिर बेच भी रही है। आप देखें बिजनेस ऑफ ब्राइटन इट्स जस्ट एट अनदर लेवल, और वो भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो सराहनीय है ब्राइटन के लिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जैसे किसान ब्रेकर पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।